हिंदू धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि महात्मा बुद्ध को अवतार घोषित करने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो अवतार हुए, मत्स्य अवतार, कुरम अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, ये 8 अवतार हुए। आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाई देखिए कि जहां से चढ़ाई शुरू हुई, हर कदम के ऊपर उसे श्रेष्ठ कलाएं लेकर के आते चले गए, एक एक कदम के ऊपर। और वो कलाएं आपने देखी होंगी, जीवन का विकास भी उनमें देखा होगा, कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंच गया, जीवन को दिखाया, जीवन की झलक दिखाई, प्रकृति के साथ तालमेल दिखाया, हर काम करके दिखाया, तो वो हमारे श्रेष्ठ अवतार हैं। लेकिन जो ये नौवां अवतार बोल करके हमारे हिंदू धर्म में इसको घुसा दिया, और हमारे जो लोग हैं, बड़ी अजीब बात है, उनको न इसकी चढ़ाई का पता, एक साधना विपासना पकड़ी, श्वास की साधना पकड़ी, हमारी बहुत सी विधियों में से एक विधि उठाई और थोड़ी सी चढ़ाई कर ली। मैं ज्यादा चढ़ाई नहीं कहूंगा इनकी, और ये बौद्ध धर्म वाले सोचते भी होंगे ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने देखा है उनको, मुझे पता है उनकी चढ़ाई का। और जिसके पास नजरे हैं, जो देख सकता है वो देख भी सकता है, देख भी लीजिए, बहुत ऊंची चढ़ाई नहीं है उनकी, नानक जी से आधी चढ़ाई होगी उनकी, कबीर दास जी से आधी चढ़ाई होगी उनकी, नित्यानंद जी से आधी चढ़ाई होगी उनकी। उन्होंने तो 21 ब्रह्मांड भी पार नहीं किए, वो तो 12वें ब्रह्मांड के अंदर अटक करके रह गए, उनकी तो चढ़ाई हो ही नहीं पाई। मैं तो उनको पूर्ण भी नहीं मानता, आप तो अवतार की बात करते हो, मैं तो पूर्ण पुरुष भी नहीं मानता। हाँ, इतना मानता हूँ उन्होंने साधना का प्रयास किया, योग साधने की कोशिश की, साधना में चले, जितना उनसे पहुँचा गया पूरा प्रयास किया, अपना 100% पहुँचने की कोशिश की, बस साधक हैं। लेकिन मैं उस अवस्था में उनको नहीं मानता। लेकिन कुछ हमारे भोले भाले लोग जो महात्मा बुद्ध को नौवां अवतार बोलते हैं, आप सीढ़ी दर सीढ़ी देखिए कितनी कलाओं का अंतर आता चला गया, कैसे कैसे अवतार श्रेष्ठ होते चले गए। क्या महात्मा बुद्ध श्री कृष्ण से श्रेष्ठ थे? अगला जो भी अवतार आएगा, ये महात्मा बुद्ध को साबित करने के लिए 10वें अवतार का नाम दे दिया गया कि 10वां अवतार आएगा, 9वां महात्मा बुद्ध है। हमारे जो ग्रंथ थे, हमारी जो पुस्तकें थी, हमारे जो शास्त्र थे, वो जला दिए गए मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा, मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा। जो उससे जो बचा 20-30%, 40%, वो फिर अंग्रेजों के द्वारा कब्जे में ले करके वहाँ वो जला दिया गया। जो कुछ उससे 5-10% बचा, उसमें बदलाव कर दिया गया। आप नहीं समझ सकते कितना ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई, आप नहीं सोच सकते कि क्या प्रभाव रहा होगा, क्या हमारे इतिहास को कितना बदला गया। आप तर्क नहीं करते, आप तर्क के साथ बात नहीं करते, आप खोजते नहीं, आप वहां तक की सोचते नहीं। अगर ये हमारे धर्म का अवतार होता तो बौद्ध धर्म क्यों चलाता, सनातन धर्म के ही अंदर होता, सनातन का ही प्रचार करता, सनातन को ही आगे ले करके जाते। अलग धर्म बनाने की ने क्या आवश्यकता थी, फिर क्या जरूरत पड़ी थी कि 9वां अवतार आया, अलग धर्म बना दिया। ऐसे तो 8वां अवतार था वो भी अलग धर्म बना देगा, 7वां अवतार था वो भी धर्म बना देगा, 6ठा अवतार था वो भी अलग धर्म बना देगा, धर्म ही धर्म हो जाएंगे दरा के ऊपर। ये सनातन नहीं है और बुद्ध कोई अवतार भी नहीं है, ये भ्रम पैदा किया गया है और प्रस्तुत किया गया है, नमक मिर्च लगा करके, मसाला लगा करके, इधर उधर की बातों को इकट्ठा करके, जो शांति की बातें होती है, कहीं भी बात हुई हो, कैसी भी बात हुई, वही महात्मा बुद्ध को घुसेड़ दिया जाता है, उसको उठा करके वहां डाल दिया जाता है, महात्मा बुद्ध ऐसे। और जो हमारे ये सोशल मीडिया, जो नेटवर्किंग आया, जो सिस्टम शुरू हुआ,
जो टीवी के ऊपर आया, कितना शांत दिखाया गया, परशुराम जी को कितना आक्रामक दिखाया गया। हमारे देवताओं का अपमान बहुत बार हुआ है, होता ही आ रहा है, लेकिन इनको आपकी समझ में नहीं आता कैसे घुसा दिया गया, आपकी लाइफ में घुसा दिया गया। ऐसे बैठे हुए आपके टेबल के ऊपर रखे हुए मिलेंगे महात्मा बुद्ध, ऐसे वस्त्र डाले हुए कहीं भी आपके ऑफिस में मिलेंगे महात्मा बुद्ध। क्या चल रहा है आपके साथ? क्या आपको पता है कि ये सनातन धर्म नहीं है? बुद्ध ने जब अलग ही धर्म बना दिया तो सनातन कहाँ से रह गया? आपके विचार वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ ये धार्मिक लोग जो बौद्ध के धर्म गुरु हैं, लामा वगैरह जो श्रेष्ठ अपने आप को बताते हैं, श्रेष्ठ बने घूमते हैं और वैसे ही वस्त्र डाल लेते हैं जैसे हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनि डालते थे, ये रास्ता नहीं है। मैं नहीं मानता और आप जब खोजोगे आप भी नहीं मानोगे। आप सनातन तक जा करके खोज करोगे, आपको पता चल जाएगा सनातन क्या तत्व है और सनातन के कितने ऋषि। मैं तो इनको संत भी वहां तक चढ़ाई भी नहीं मानता। जब संतों की तुलना की बात आएगी तो ये तो नित्यानंद जी के नजदीक भी नहीं थे, ये तो कबीर और रविदास और हमारे जितने ये महात्मा इनके नजदीक भी नहीं चढ़ पाए। अगर उनके पास तक ये पहुंच जाते मैं मान लेता कि हाँ वहां तक इनकी चढ़ाई है। कम से कम अवतार न सही संत तो हैं। अगर ये अवतार हैं तो फिर तो हमारे जितने भी धर्म में संत हुए वो सब के सब अवतार हैं, क्योंकि शक्तियों का खेल है। आप देखो इतिहास उठा करके, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ना कोई चमत्कार किया। आप देखो इतिहास उठा उठा करके हमारे संतों ने कितने चमत्कार किए हैं, वो कैसे कैसे आज तक चल रहे हैं, वो खोज करो ढूंढ लो। लेकिन बिना शक्ति के बिना ताकत के केवल मात्र संदेश देने वाले व्यक्ति को अवतार घोषित करना कहाँ का उचित है? तो आप समझिए और इस झूठ से इस पाखंड से बाहर निकलिए और अपने आसपास के लोगों को भी जगाने की कोशिश कीजिए और सनातन धर्म को आप आगे ले करके जाने की का प्रयत्न करो।